नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजय ज्योतिष की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे संख्या तत्व के अनुसार दो संख्या के बारे में विस्तार से। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आपके अपनों में जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस विषय को जान पाए। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस करना, ताकि इस चैनल का कोई भी अपडेट सबसे पहले आप पा सके और उसको अपने जिंदगी में प्रयोग करके अपनी जिंदगी को आसान बना सके। चलिए शुरू करते हैं। जिस किसी का जन्म किसी भी महीने पे 2, 11, 20 और 29 तारीख को है, उन लोगों के जन्म संख्या होता है 2। संख्या तत्व के अनुसार 2 संख्या चंद्रमा को दर्शाता है, इसीलिए इस संख्या का सबसे बड़ा गुण है कोमलता, काम एंड क्वाइटनेस और चंचलता भी। ऐसे जन्म संख्या वालों का ज्यादातर काम का प्रकाश नहीं होता है। ऐसे जातक ज्यादातर वक्त एक विशेष दृष्टिकोण से जिंदगी को देखता है, समाज को देखता है और अलग तरह से विश्लेषण भी करता है। ऐसे जातक बाहर की तरफ से बहुत ज्यादा ही धीर स्थिर स्वभाव के होते हैं, और इसलिए इन लोगों का जिंदगी का सफर भी धीर गति संपन्न होता है। कोई भी काम करने से पहले ऐसे जातक बहुत सोच समझ कर काम करता है। ऐसे जातक जिंदगी में बहुत सारे कष्ट भी सहते हैं। ऐसे जातक जल्दी से उत्तेजित नहीं होता है। ऐसे जातक धैर्यशील होता है। ऐसे जातक ज्यादातर मौका परस्ती होते हैं। ऐसे जातक या जाति का दूसरों का दुर्बलता को अपने हथियार बनाते हैं और धीरे धीरे खुद के चरित्र का विकास करता है। 2 संख्या के अंदर सामाजिक गुण भी रहता है। ऐसे जातक हद से ज्यादा सामाजिक भी होती है। सांसारिक दिख से ऐसे व्यक्ति निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ऐसे जातक उच्चकांक्षी होते हैं। ज्यादातर वक्त ऐसे जातक अकृतज्ञ होते हैं। खुद के स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे जातक बहुत सारा अनैतिक काम भी करता है। ऐसे जातक या जाति का खुद के स्वार्थ के लिए बहुत सारा मनगढ़ंत इलॉजिकल पॉइंट को सामने रखने से भी पीछे नहीं हटता। दोस्तों आज यही तक, फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो पे संख्या तत्व अनुसार 3 संख्या के रहस्य के बारे में जानने के लिए। दोस्तों अगर आपके जिंदगी में कोई भी समस्याएं है तब आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। भारतीय ज्योतिष के बारे में अगर आप में कोई भी प्रश्न है तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पुरंजय ज्योतिष और पुरंजय ज्योतिष के सफलता के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट पे लॉग इन करके हर एक टेस्टिमोनियल्स को देख सकते हैं जो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पुरंजय एस्ट्रोलॉजी को लिखे हैं। दोस्तों देश के ऐसे संकटमय अवस्था पे आप सभी से मेरा गुजारिश है, आप सभी सतर्क रहना, घर पे रहना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके खुद को, आपके अपनों को और देश को सुरक्षित रखना। नमस्कार।